कांग्रेस संगठन चुनाव का मामला, बैलेट पेपर पहुंचे जयपुर। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दो बूथ बनेंगे, 200 डेलीगेट्स एक बूथ पर वोट डालेंगे। राजस्थान में 413 डेलीगेट्स वोट कास्ट करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल सुबह 10 बजे वोटिंग होगी। पीआरओ राजेंद्र कुंपावत जयपुर पहुंचे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी, जिनके साथ पीआरओ राजेंद्र कुंपावत जी मौजूद हैं। और योगेश जी अब उनसे बातचीत करेंगे। योगेश जी, ओवर टू यू। देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है कि मतपेटियां राजस्थान के जयपुर पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर टिकी है। राजस्थान में 413 वोटर डेलीगेट वो वोट करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, मतपेटी आप देखें, ये मतपेटी है, इस पे लिखा है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस बैलेट बॉक्स। और मतपेटियों पे नंबर है 41 और 42 नंबर। ये दो मतपेटियां राजस्थान पहुंची हैं। सबसे बड़ी खबर यही है इस वक्त कि जिसका इंतज़ार था, जिस चुनाव को लेकर इतनी ज़्यादा गहमा गहमी हमें नज़र आ रही है। और ये वो प्रतिनिधि हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रतिनिधि, आप देख सकते हैं उनके ये कार्ड हैं, पोलिंग एजेंट के राम सिंह कस्वा हैं, उनका कार्ड दिखाई दे रहा है आपको। ये ललित तूनवाल हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के एजेंट हैं। मुमताज मसी हैं, ये भी मल्लिकार्जुन खड़गे के एजेंट हैं। और नसीम अख्तर इंसाफ, ये भी मल्लिकार्जुन खड़गे के एजेंट है। इस तरह का पोलिंग एजेंट का कार्ड होगा। और इसके साथ ही शशि थरूर के भी एजेंट्स के नाम भी आ गए हैं। शशि थरूर के भी हमारे साथ हैं। राजेंद्र सिंह जी कुंपावत, आप प्रदेश कांग्रेस के निर्वाचन अधिकारी हैं। हम जानेंगे किस तरह से पूरी मतदान प्रक्रिया निभाई जानी है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, किस तरह के नियमों के साथ मतदाता को आना होगा। सबसे बड़ी बात, किस तरह से मतदान की प्रक्रिया होगी। सबसे पहले सवाल तो यही है कि मतदान प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होगी और क्या सावधानियां बरतनी होंगी जो भी मतदान करने के लिए मतदाता आएगा। सबसे पहले तो कांग्रेस मुख्यालय पे ये सारी व्यवस्था की गई है। 200 से ज़्यादा बूथ जहाँ होते हैं, वोटर्स होते हैं, वहाँ दो बूथ लगे हुए हैं। तो दो बूथ में अलग अलग से बनाए गए हैं। दोनों बूथ में दोनों उम्मीदवार के एक एक प्रतिनिधि पोलिंग एजेंट के बैठेंगे। और साथ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो हमारे इलेक्शन अथॉरिटी की ओर से जो डीआरओस लगे हैं, वो डीआरओ भी हम दोनों बूथ में बिठाएंगे। और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के एसएस से हम सबको लिस्ट के हिसाब से जिनका नाम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इलेक्शन अथॉरिटी की चेयरमैन की सिग्नेचर वाला जो वोटर लिस्ट है उसमें जिसका नाम होगा वही वहाँ प्रवेश कर सकेगा। उसको प्रवेश से पहले अपना आई कार्ड दिखाना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास आई कार्ड नहीं है उनको उसके अंदर अलाउ नहीं किया जाए। पीसीसी डेलीगेट का जो आई कार्ड है वो पीसीसी डेलीगेट का जो आई कार्ड है वो लाना बहुत ही फर्जियात है। और वही देख के ही इनको लाइन बद्ध, और जब भी जो वोट करने आएगा तो उसके नंबर के आधार पे जो वोटर का लिस्ट है उसमें इस मार्किंग किया जाएगा। उनके उंगली पे इन्होंने वोट कर दिया है, इस तरह का जो इंक है वो इंक भी इनके ऊपर लगाया जाएगा। और सभी सावधानियां जैसे आम चुनाव में होती है ऐसी सारी सावधानियां इसमें इंक वैसी होगी जैसे आम चुनाव में होती है, हम देखते हैं उसी तरह की इंक होगी। उसी तरह की मार्किंग इंक है, वो ये लगाने के बाद जाएगी नहीं, इस तरह की इंक लगेगी। ये मतपेटियां है, मतपेटी के ऊपर इसको वोटिंग चालू करने से पहले दोनों उम्मीदवार के जो पुलिंग एजेंट है इनको सामने पूरी पेटी को खाली करके दिखा दिया जाएगा। उनके सामने ही पेटी को सील किया जाएगा और 7:10 बजे वोटिंग स्टार्ट होगा और वोटिंग 4 बजे खत्म होगा। जैसे 4 बजे वोटिंग खत्म होने का टाइम है, अगर कुछ मतदाता 4 बजे से पहले वोटिंग के जो प्लेस है उसकी प्रीमाइसिस में आ जाते हैं वो वोट कर सकते हैं। अगर वो प्रीमाइसिस से बाहर है 4 बजे के पहले तो वो वोट नहीं कर सकेंगे। और 4 बजे के बाद जो भी वोट्स डाले जाएंगे उसका सारा हिसाब किताब दोनों पुलिंग एजेंट को दिखाया जाएगा। उसके सामने ही उनकी साइन ली जाएगी, उनके सामने ही पेटी पे जो सील ऑल इंडिया कांग्रेस सील कैसे लगेगी आप थोड़ा बताएंगे, सील किस तरह से इस तरह की
सिम लगेगी और उस पे इसके ऊपर आईएनसी का एक पर्टिकुलर नंबर है और बहुत सारा एआईसीसी में नोटेड है कि भाई ये 41 वाली जो मत पेटी है तो इसमें आईएनसी का इस नंबर का सील लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें दोनों में और उसके बाद ये जो मत पेटी का बॉक्स है उसको इसमें रख दिया जाएगा, उसके ऊपर भी एक अलग से सील उसमें लगा दिया जाएगा ताकि और उसको एजेंट के सामने ही वो सील लगा दिए जाएंगे और वहाँ ख़त्म होने के बाद 18 तारीख हम दोपहर तक दिल्ली स्ट्रॉन्ग रूम में इस मत पेटी को जमा करवाएंगे और 19 तारीख में इसकी मतपत्र जो है बैलेट पेपर उस पर किस तरह से मतदान करना है ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि वो मतदान कैसे किया जाए, क्योंकि बैलेट पेपर को लेकर एक दिक्कत आती है सबके सामने, कई बुजुर्ग भी हैं आपके पीसीसी के डेली। मैं आपको ये जो बैलेट का पेपर है वो आपके सामने रखता हूँ कि उसमें सारी जो दोनों उम्मीदवार के नाम हैं उसके सामने जो मार्क लिखा है, हमें इस चुनाव में एक अलग वो है कि आपको इसमें किसी भी प्रकार का सील नहीं लगाना है, न तो कि इसमें राइट करना है, न तो इसमें किसी प्रकार की आपकी साइन लगेगी। आप जिस उम्मीदवार को मत देना चाहते हो, दोनों उम्मीदवार में से आपका पसंदीदार जो उम्मीदवार हो उसके सामने आपको एक लिखना है, वन बोले तो वन वन लिखना है। और अगर आपने कहीं 1-2 लिख दिया या साइन कर दिया, केवल एक ही लिखना है, एक ही लिखना है। अगर आप एक लिखने के बाद अगर और कुछ लिखते हैं तो वो वोट आपका कैंसिल हो जाएगा। जो नीचे की पर्ची है उसमें उसके नंबर है, जो बैलेट जितने बैलेट दिए हुए हैं वो हम काट के वापिस ऐसे, ये किसको भरना होगा नीचे? ये पोलिंग ऑफिसर भरेंगे और उसमें जो साइन करेगा यानी जो पीसीसी मेंबर होगा उसकी साइन लगेगी और ये हम इसको काट लेंगे और इसको जो आधा बचा ए वाला ए उसको मत पेटी में फोल्ड करके डाला जाएगा। मैंने जो गाइडलाइन देखी उसमें लिखा है कि इसको 5 बार या 3 बार फोल्ड करना। हाँ वैसे ए, ए, एक बार हुआ, हाँ। 2 बार हुआ, वैसे अपन यू कर दे, 2 बार हुआ और ए 3 बार हुआ जी। और इसमें साइन है नहीं तो उसका मार्क अलग जगह लगने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। वैसे पूरी गोपनीयता निष्पक्षता इस पूरे चुनाव में रहे, इसमें आप देख लेंगे कि इसमें न किसी स्टेट का नाम लिखा है, न किसी बैलेट का नंबर लिखा है, कुछ भी नहीं। ये सारे मत किसने किसको मत दिया पूरी गोपनीयता रखी जाएंगी, ये पूरा इसी तरह से। एक बात राजेंद्र जी, किस तरह से ये मतदान की जो प्रक्रिया है कोई इसमें वोटर को प्रभावित नहीं करे, इसके लिए क्या गाइडलाइन है? उस चुनाव के दिन की बात कोई बयानबाजी ना करे या कोई इस तरह का कोई कोई ये नहीं दिखाए कि मैंने वोट किसको दिया है? हाँ बिल्कुल गोपनीयता रखनी है, वो इस अंदर किसी कोई आदमी इसका फोटो नहीं खींचेगा और अगर कोई पीसीसी मेंबर वहाँ अगर किसी भी प्रकार की हरकत करता है जो इलेक्शन अथॉरिटी की गाइडलाइन के खिलाफ है तो उसका नाम और सारा हम लिख के इलेक्शन अथॉरिटी को कंप्लेन कर देंगे तो इलेक्शन अथॉरिटी उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगी। यहाँ बंदोबस्त के तौर पे हम पीसीसी के माध्यम से यहाँ पुलिस का भी प्रावधान करने वाले हैं कि भाई वो पुलिस का बंदोबस्त रहे ताकि किसी भी प्रकार की दो बूथ रहेंगे पीसीसी के, दो बूथ रहेंगे, एक हॉल में हम दो डिवीजन करके दो बूथ रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आपको कल के पूरे चुनाव के लिए पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से। और देख सकते हैं ये तस्वीरें हमने दिखाई, पूरी बारीकी के साथ आपको गाइडलाइन बताई है। बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव है, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव सालों बाद हो रहा है और इस चुनाव के जरिए एक संदेश गांधी परिवार देगा, कांग्रेस परिवार देगा कि किस तरह से लोकतांत्रिक और निर्वाचन प्रक्रिया के जरिए कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। तो आपने देखा, हमने आपको पेटियाँ दिखाई है, मतपत्र दिखाया है और बैलेट पेपर किस तरह से दिखाया है। पहले नंबर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है, दूसरे नंबर पर शशि थरूर का नाम है, लेकिन जो मतदान करेगा पीसीसी डेलीगेट उसको नाम के आगे एक लिखना होगा, एक नंबर चिन्हित करना होगा, वही वैलिड होगा। तो ये बड़ी खबर है, दर्शकों को और पूरे राजस्थान के पीसीसी डेलीगेट्स को ये पता लग गया होगा कि किस तरह से ये मतदान प्रक्रिया निभाई जानी है। जो जो बातें राजेंद्र कुंभावत जी ने कही है उसकी एक एक बात के अक्षरश पालना करने के बाद ही वो वोटर का वोट वैलिड कहलाएगा और उसके बाद 18 तारीख को ये मतपेटियाँ
पहुंच जाएंगी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में। कल सुबह से मतदान प्रक्रिया की शुरुआत होगी जो 4 बजे तक चलेगी। तो पूरा एक कहा जा सकता है बहुत बड़ा चुनाव ये है, और इस चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस के निचली पंक्ति तक का जो कार्यकर्ता है, जो पीसी डेलीगेट है, एक ब्लॉक का नेता है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। जी चलिए, तो कल जो है वो देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल योगेश जी पूरी जानकारी के लिए।